हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे ऐसी आरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 29 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 57 आज की एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 की है। ये रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए देख लेते हैं क्या दी गई वर्कशीट में आज की। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, व्हेन फ्रैक्शन हैव टू मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन यू इम्प्लाई। टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो हमें अगर यहाँ पर ये देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भिन्न को भिन्न से गुणा हो करना, मजे मजे से तुम कर लेना। और यहाँ पे है कि भिन्नों को जब हम गुणा करना, भिन्नों का को गुणा करने के लिए अंश को अंश से, यानी न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यानी अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। देखिए इस तरह से 2/5 और 1/3 को गुणा करना है, तो 2 × 1 और 5 × 3, तो हमारा उत्तर आएगा 2 × 2/15, यहाँ पे 2/15। चलिए अब हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों आगे के सॉल्व सम को। चलिए देखते हैं क्या है। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फॉलो करना है क्वेश्चन को। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई 5/3, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3। अब सॉल्व करते हैं। 7 × 5 = 35, यहाँ पे 35/2 = 3 = 6, तो यहाँ पे 6, तो आंसर हमारा आएगा 35/6। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो 11 × 2/5 × 3, अब आंसर क्या आएगा बच्चों इसका हमारा 22/15, यहाँ पे 15 आएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 1/4 × 10, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 1/40। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या दिया है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, व्हेन फ्रैक्शन डिवाइड, फ्लिप फ्रैक्शन विथ राइट साइड, डिवीजन साइन चेंज टू मल्टीप्लाई, गेट द आंसर व्हेन यू ट्राई। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये डिवीजन हमें किस तरह करना है। डिवीजन में ये सेम रहेगा पोर्शन, बस ये पोर्शन है जो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे 7/3 है तो 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम और ये जो हमारा डिवीज़न का साइन है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 1/5 × 3/7 = 1/5 × 7, तो हमारा इक्वल आंसर आ जाएगा 3/35। चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं क्या दिया है हमें सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक पोर्शन पहले हम चेंज करेंगे 12/5। यहाँ पे ये डिवीज़न का जो साइन है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये ऊपर नीचे कर देंगे हम, तो यहाँ पे 3/1। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 3/5 × 1, अब हमारा आंसर आएगा 36/5। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम चेंज करेंगे 6/13, ये डिवीज़न का जो मार्क है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब ये पलट देना है बच्चों में राइट हैंड साइड वाले को, 5/1 × 5/2। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6/5/13 × 2,
अब हमारा आंसर आएगा 30 अपॉन 26। तो ये बच्चों किसी में जाता है ये नंबर, कटता है? यस, 2 से कटेगा, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2 2 5 10 और यहाँ पे 2 1 2 2 3 6, तो हमारा आंसर आएगा 15 अपॉन 13। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 अपॉन 5 चेंज करना है, तो डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे 9 अपॉन 5 लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 5, अब आंसर हमारा आएगा 72 अपॉन 25। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको बच्चों पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। और आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों मास्क ज़रूर लगाएं, कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय।